गाइस जो सबसे मेजर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहता है और सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है कि वेट गेन कैसे होगा कुछ बता दो। चल वो है कि वेट गेन कैसे होगा। सो आज मैं बताने जा रहा हूँ वेट गेन कैसे करें और वेट गेनर शेक कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तुम्हारी बॉडी को डे टू डे फंक्शन करने के लिए कैलरीज चाहिए होती है। उस कैलरीज से हमें मिलता है फ्यूल जिससे हमारी बॉडी डे टू डे एक्टिविटीज कर पाती है। बट सपोज़ मेरी बॉडी को 2500 कैलरीज चाहिए वेट मेंटेन करने के लिए, बट ये चाहिए मेरे को वेट मेंटेन करने के लिए। अब मेरे को वेट गेन करना है तो मेरे को इससे ज़्यादा कैलरीज खानी पड़ेगी। अब वो कैलरीज का गोल पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। बट अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर पूरे दिन में बिजी हो तो आप बार बार खाना नहीं खा पाओगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मास गेनर शेक्स। इस शेक में आपको एक बार में इतनी कैलरीज मिल जाएंगी जिससे आप अपना वो बाकी कैलरीज का गोल ईजिली बाकी मील्स के साथ पूरा कर लोगे। तो अब आपको एक दिन में कितनी कैलरीज खानी है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए मैं आपको ये ऐप बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और अब चलते हो फटाफट से वेट गेनर शेक की रेसिपी देखने जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ वे आ जा तेरे मैं बताऊँ। चल चले सूरज। इस शेक को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले तो वे प्रोटीन, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर चाहिए होगा आपको पीनट बटर, हनी है हमारे पास 200 ml, ये टोंड मिल्क है, बेसिकली मलाई वाला दूध की मलाई उतार लो तो वो टोंड मिल्क ही होता है। 2 केले हैं, 8 आलमंड्स हैं, बादाम हमारे पास, फिर हमारे पास 8 कैशूज हैं, काजू एंड 50 ग्राम ओट्स। बस अब हमें इसे ब्लेंड करना है और कुछ नहीं और हमारा शेक रेडी। पूरा अब फटाफट से शेक को पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सीधा जिम में। खर्चा हो जाएगा। एक चीज़ जो मैंने सीख ली है वो है अगर पब्लिक में ब्लॉग करना सीखना है और ब्लॉग करने की आदत डालनी है तो भाई उसके लिए ना बेशरम बहुत बनना पड़ेगा, और बेशरम तो हुई। तो जाए तो फटाफट घर चलते हैं और फिर घर चल के खाते हैं अपनी मील। हेलो कुमार, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप ऑफिस गए थे? हाँ, मैं ऑफिस गई थी। कैसा दिन रहा?
बढ़िया था। ऑफिस ऑलवेज गुड। गाय आज मम्मी ऑफिस जाने था इसलिए आज मम्मी व्लॉग में नहीं थी। हाँ अभी एक पापा से रिक्वेस्ट करनी है। मम्मा देखते हैं पापा रिक्वेस्ट मानेंगे या नहीं, वो आपके लिए भी सरप्राइज है। चलना है अभी अंदर, ठीक है? सरप्राइज। हाँ रिक्वेस्ट सरप्राइज है, ठीक है? चलो अभी चलते हैं। ये तो रेड कार्ड था। हाँ ये तो सब मैंने किया। ये देखना ये देख, लेकिन वो ठीक है कैप्टन है तो थोड़ा बदल वो है। कल से देखे अटैक भी करने चाहिए थे, जब बॉल उनके पाले में जाएगी नहीं तो तुम्हारा गोल कैसे होगा? ओ गुड 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 से ये सही जा रहा है। मारेगा 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 मार मार गुड से या मेसी कोपा चैंपियन। अरे पापा एक चीज बताओ। हाँ थोड़े खुश लग रहे हो या मेसी? अरे मेसी रुक तो जाओ सुनो। हाँ मैं क्या कह रहा था या मेसी? अरे ठीक है अच्छा सुनो मैं क्या कह रहा था यार, थोड़े खुश लग रहे हो, एक कुत्ता पाल ले इसी बात पे। कुत्ता नहीं 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 एक पाल रखा मैंने, उसी को पालने में बहुत मुश्किल हो रही है। आज देख लो यही चल या मेसी कोपा चैंपियन। अरे भाई चलो गाइस आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड हमें कुछ और बोलना है? सब तो मैंने बोल ही दिया। लाइक ठोक देना महाकाल के नाम पे दबा के। ओके बाय बाय।